हेलो एवरीवन एंड वेरी ऑसम मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो. आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ एमएलपी ग्रुप ऑफ स्कूल्स. टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्स्ट, द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 9. यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द फर्स्ट चैप्टर्स कंटेंट इज गोइंग टू बी एंड अप. दिस इज द लास्ट टॉपिक विच वॉज रिमेनिंग. सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस this topic. The topic is food from animals. You know very well about this topic. There is no need to explain you lots and lots of things about this because you all are aware from this topic. The topic is food from animals. How we get food from animals and what materials we get from the animals. As you know that the animals are an important source of food for us, because different varieties of animal products that are we going to use all over the world. Means कहने का मतलब ये है, all human beings are depend upon the animal or plants, whether it is egg, chicken, meat, fish, milk, whatever the products we are using. Okay, so and they all are highly nutritious and very good for health also. So let's start the topic. The keeping of animals for specific purpose is called domestication. Firstly, I want to explain you that what is the domestication. Domestication kya hota hai? It is a word related with the animals. Domestication means pashu palan. Animals ko rakhna, unki dekhbhal karna kisi ek particular purpose ke liye. Ki kisi kaam ke liye hum unko rakh rahe hain, paal rahe hain. Chahe phir unke meat ke liye ho ya milk ke liye ho, whatever the product we are gaining from them. That is the term. Domestication. All domesticated and useful animals constitute livestock. जितने भी domesticated animals होते हैं, जितने भी हमारे useful animals होते हैं, livestock means उनका एक group होता है, समूह होता है जिसमें वो रहते हैं. And the breeding, feeding and caring of livestock for food and other useful purpose is known as animal husbandry. उनकी breeding करना, फीडिंग करना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन वगैरह का जो प्रोसेस होता है, एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, उनकी देखभाल करना उनकी यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए, यूज़फुल पर्पस के लिए, दैट इज़ नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री. उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स विच आर डोमेस्टिकेटेड. अब किस टाइप की कैटेगरीज होती है, जैसे कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं तो किस किस चीज़ के लिए करते हैं. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स things or the product we get from them that are the edible animal products, we can say that. Firstly, we will talk about the draught animals. Draught animals, the animals used for work include mule, donkeys, horse, camel. They help in transportation and other farm work such as plugging and threshing. Draught animals वो होते हैं जिन्हें हम सामान ढोने के लिए, बोझ ढोने वाले animals जिन्हें हम कहते हैं जानवर, उनको किसी भी काम के लिए यूज़ करना, जैसे म्यूल, खच्चर है, गधे हैं, घोड़े हैं, ऊँट हैं, बैल हो गए आपके, एंड प्लस में भैंसा जो होता है एंड ऑल, जिनका भी मतलब हम यूज़ किसी पर्टिकुलरली काम के लिए ही कर रहे हो, हम उनसे मिल्क वगैरह नहीं, सिर्फ उसके लिए, तो उनको हम ड्रॉट एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट, ये बुक कंटेंट यू डोंट हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक. देयर ओनली द कंटेंट आई हैव रिटन इन नोटबुक, यू हैव टू राइट ओनली दैट, बिकॉज दिस इज़ द दीज कंटेंट इंक्लूडेड इन द लॉन्ग क्वेश्चन दैट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू और ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा है. सो देयर इज़ नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन. मीट, दैट इज़ द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, जिन्हें हम फ्लैश बोलते हैं एनिमल्स का. एंड ये किस किस से मिलता है हमें, हैंड, डक, शीप, गॉट, काउ एक्सेट्रा से. इन्हें हम मीट एनिमल्स भी बोलते हैं एंड मीट ईल्डिंग एनिमल्स भी बोलते हैं. एग्स जो है स्टोर्स होते हैं प्रोटीन का, ये हम किन किन एनिमल्स से ले सकते हैं, बर्ड से ले सकते हैं, हैंड, डक एक्सेट्रा, इनसे एनिमल्स नहीं कह सकते आप, बर्ड से मतलब. ओके, हैंस जो सोर्स होते हैं एग्स के, पोल्ट्री फार्म एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर इन बर्ड्स को रखा जाता है. सी फूड यील्डिंग एनिमल्स, सी फूड, फिश, प्रॉन, क्रैब, ये सारे हैं हमारे, इनको हम सी फूड लेते हैं. इनका रीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग होता है, उसे पिशिकल्चर बोलते हैं. पिशिकल्चर मीन्स मछली पालन. हनी यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, आपको पता है हनी इज़ ऑनली प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द हनी बीज. नेक्टर से बनता है. सुगर, वाटर, मिनरल्स, एंजाइम्स होते हैं बहुत, एंड वेरी
गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो. इसको रियरिंग ऑफ हनी बी को हम एपिकल्चर बोलते हैं. मिल्क लाइक मिल्क यील्डिंग एनिमल्स जो हैं काउज बफेलो, इन्हें हम मिल्क एनिमल भी बोलते हैं. इनसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. द प्रोडक्ट्स वी कैन मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो बनने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं. पनीर, चीज़, क्रीम, बटर एक्सेट्रा, दीज आर द थिंग दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. सो आवर टॉपिक इज एंड अप टुडे. दिस इज सॉरी, यू हैव टू डू द शॉर्ट क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक. देयर आर फाइव शॉर्ट क्वेश्चन. दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, लिस्ट आउट ऑल द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लगिंग एंड लेबलिंग. द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफाइन वीड्स, व्हाई डू यू थिंक वीड्स शुड बी रिमूव्ड. दीज ऑल फाइव क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न इट. आई होप यू विल डू द सेम. थैंक यू स्टूडेंट्स.